सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के एक कर्नाटक के एमएलए ने जिस प्रकार से बयान दिया है, हिंदुओं को गाली बता दिया है। उन्होंने बयान दिया था तो उस बयान पर कुछ प्रतिक्रियाएं हुई थी और वो बयान केवल कर्नाटका तक सीमित था, लेकिन सुरजीत सुरजेवाला या क्या नाम है उनका जो भी है, उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके कहा हम सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं, ये हिंदू प्राइड का विषय है, ऐसा कुछ कह के ये करके उन्होंने उसको कर्नाटक की बाउंड्री से बाहर निकाल दिया और पूरे देश भर को बताया कि भाई क्या विचार रखती है कांग्रेस। अब सवाल ये तो आया कि सुरजेवाला ने ये तो कह दिया कि नहीं भाई हम इससे वाकता नहीं रखते, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये बयान हमारा मतलब नहीं है। अब देखिए जो कुछ भी इन्होंने कहा उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, सतीश जारकीहोली एमएलए हैं इन्होंने, और मजे की बात यह है कि ये कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई एक सामान्य एमएलए कुछ कहता है तो समझ में आता है, लेकिन वर्किंग एमएलए वर्किंग प्रेसिडेंट कर्नाटका का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये स्टेटमेंट दे तो ये किसका स्टेटमेंट माना जाएगा भाई, इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद इस आदमी ने सुरजेवाला के बयान के बाद जो कहा, मतलब सुरजेवाला ने कहा था तब तक तो ठीक था कि भाई सुरजेवाला ने क्रिटिसाइज कर दिया और ये कह दिया कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है और ये मैं इससे सहमत नहीं हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी उन्होंने कहा, अच्छा खराब जो भी कहा होगा। लेकिन सतीश जारकीहोली ने जो दोबारा कहा वो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हिंदू एक डर्टी शब्द है, हिंदू का मतलब गंदा होता है, हिंदू का मतलब गंदगी होती है, ये इनका कहना है। और ये बात जो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, कोई भी मुझे चैलेंज देता है तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि हिंदू का मतलब गाली है, हिंदू का मतलब गंदा है, ये कहते हैं। अब आप सोचिए कि इनका ये कहना कि इसके डर्टी मतलब होते हैं, क्या मतलब इसका निकाला जाए। आगे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने पर्शियन लिटरेचर निकाला है, मैंने ईरान इराक कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान का लिटरेचर निकाला है और इन लिटरेचरों में ये बात सामने आई है कि हमको हिंदू पर्शियन नाम दिया गया है और पर्शियन में इसको गंदा कहते हैं और हमको गंदा बोलने के लिए ये पर्शियनों ने हमें नाम दिया है। कमाल की बात इन्होंने कर दी। और ये मतलब मजे की बात ये है कि ऐसे वैसे भाषण नहीं दे रहे थे, ये मानव बंधुत्व वेदी के का वहां पर कार्यक्रम चल रहा था नेपाली टाउन में, वहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बालागवी स्थान है वहां पर, कोई टाउन है, उस टाउन में इन्होंने स्टेटमेंट दिया। और मैं समझ नहीं पाया कि अब तक ये कांग्रेस में क्यों है। इसका मतलब ये है कांग्रेस ऊपरी मन से इनको ये ऊपरी मन से ये स्टेटमेंट दे रही है। सत्य ये है कि कांग्रेस को ये जो शब्द है, ये शब्द कांग्रेस का माना हुआ शब्द है, ये शब्द को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। और कहाँ से पढ़कर दे रहे हैं, इनका कहना है मैंने विकिपीडिया पर ढूंढा, उन्होंने कहा कि मैंने तमाम तरह के आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने तमाम तरह के ऑथर्स को पढ़ा है और उनके बाद मैं नतीजे में पहुंचता हूं कि हिंदू मतलब गाली है, हिंदू मतलब गंदी बात है, हिंदू मतलब गंदगी है, ये शब्द ये कहते हैं। अब रणदीप सुरजेवाला जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी क्या कहेंगे या फिर वो जो नए आजकल झाड़ पोछा वाले सोनिया गांधी के घर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके जो 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 सेवादार हैं खड़गे, तो खड़गे क्या कहेंगे, ये बात सोनिया गांधी को स्टेटमेंट देना चाहिए, कम से कम खड़गे को तो बयान देना ही चाहिए। और ये बयान केवल सफिशिएंट नहीं है, इस बयान के साथ क्या वो उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करेंगे जो हिंदुओं को गाली कहता है, कि हिंदू शब्द एक गाली शब्द है। इस पर रिसर्च की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की, चाहे जैसे आया हो। अब हिंद महासागर को पूरा विश्व ने हिंद महासागर कहा है, इंडियन ओशन कहा है, तो हिंद महासागर को क्या गाली के रूप में लिया गया होगा। अब कोई किसी को गाली कहता है तो वो ये उसका विषय हो सकता है, लेकिन किसी और को इस विषय पर कैसे ऐसा माना जा सकता है या आपका बयान कैसे हो सकता है। और कम से कम आप तो ऐसी बात ना कहिए
आप जो ऐसी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर सबको विचार करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।